हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ गाइस एक न्यू रिएक्शन वीडियोस के साथ। तो मेरा वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस वीडियो के ऊपर आज रिएक्ट करने जा रही हूँ। आज गाइस मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ ना, ये थोड़ी सी अलग टाइप का होने वाला है, क्योंकि इसमें जो स्टोरी देखने को मिलेगा वो एकदम अलग लेवल का है एंड अलग मजा है स्टोरी में, ठीक है। तो फाइनली गाइस खेसारी भैया का रंग दे बसंती जो मूवी है, शायद आप लोगों को पता ही है, उसी मूवी का एक सॉन्ग को रिलीज किया गया है एसआर के म्यूजिक चैनल पर कल रात को। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया है इस सॉन्ग पे रिएक्शन देने के लिए। तो मैं कल रात को तो नहीं देखी हूँ, क्योंकि देख लूँगी तो रिएक्शन देने में मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ देखूँगी, आप लोगों के साथ ही रिएक्शन करूँगी। बट जब मैं पोस्टर देखा ना सॉन्ग का, तो पोस्टर देख के मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ तो डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे जितना पता है इस सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए खेसारी भैया बाबा बागेश्वर धाम पहुंच गए थे इस सॉन्ग को रिलीज करने के लिए। तो जब गाइस एक सॉन्ग को रिलीज करने के लिए इतना दूर जा सकते हैं इतना खर्चा करके, तो जब फुल मूवी को रिलीज किया जाएगा तो पता नहीं कितना ज्यादा खर्चा किया जाएगा एंड किस तरह से प्रमोशन किया जाएगा इस मूवी का। वो तो यार मैं सोचती हूँ तो शौक लग जाती है मुझे सच में, ठीक है ना। तो मैं सच में गाइस बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इसमें खेसारी भैया का जो लुक है ना गाइस, लुक देख के ही मैं एक्साइटेड हो गई हूँ एंड इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। चलिए पहले वीडियो को देख लेती हूँ, फिर जो भी डिस्कस है वो वीडियो देखने की बात आप लोगों के साथ करूंगी। बट उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बताऊँ यार दीदी, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। मतलब मेरे सबसे फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई भोजपुरी वीडियो देख रही हूँ जिसमें पीछे डांसर्स ही सिर्फ 500 से 600 डांसर्स हैं, ठीक है। मतलब रियली आई कांट बिलीव दिस गाइस, हाउ इज पॉसिबल। और इसमें जो बैकग्राउंड सेटअप है ना इस वीडियो में गाइस, ओ माय गॉड रियली, मतलब इस वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। एंड इसमें खेसारी भैया का जो लुक है, ओ माय गॉड, स्टार्टिंग में जब भैया ने एंट्री लिया ना, एकदम अलग लेवल का लुक था यार। सच में मैं बस यही सोच रही हूँ कि कैसे खेसारी भैया वीडियो के हिसाब से, गाने के हिसाब से अपने लुक चेंज करते हैं, मैं यही सोचती हूँ। मतलब कुछ दिन पहले भैया का थोड़ा अलग लुक देखने को मिला, फिर आज एकदम डिफरेंट लुक में, मतलब कैसे अपना लुक को चेंज करते रहते हैं, इसका सीक्रेट क्या है, मैं वही कभी कभी सोचती हूँ। तो गाइस ये जो वीडियो है ना, ये मतलब मुझे पहले ही लगा देख के कि ये कोई मतलब भक्ति सॉन्ग होने वाला, क्योंकि वीडियो का जो टाइटल है हनुमान जी की जय राम जी की जय, तो टाइटल सुन के पता चलता है कि ये भक्ति सॉन्ग है एंड ये रंग दे बसंती मूवी का गाना है, आप लोगों को तो पता ही है। तो फर्स्ट सॉन्ग ही गाइस जब इतना बवाल लेवल का हुआ है, तो आप लोग मतलब समझ सकते हो कि पूरा मूवी के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। तो मूवी को जिस दिन रिलीज किया जाएगा ना, एकदम पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे यार खेसारी भैया सच में। तो फर्स्ट सॉन्ग है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जितना हो सके आप लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि व्यूज़ थोड़ा कम है वीडियो में देख रही हूँ, जितना होना चाहिए उस हिसाब से थोड़ा कम है। बट आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा इस वीडियो को भी। तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा इस वीडियो को। बाकी आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो देख के पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी जरूर करना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।